अब कुछ पुस्तिका और ग्रंथ का लोकार्पण पूज्य प्रवर के श्री चरणों में हो सकेगा। परम पूज्य गुरुदेव वर्धमान महोत्सव त्रिदिवसीय यह कार्यक्रम इसकी संपन्नता के मंगल पाठ नहीं मंगल पाठ तेरा पंथ परिचायिका और तीर्थंकर चरित्र जैन विश्व भारती के द्वारा प्रकाशन होता रहता है साहित्य का। आज भी श्री चरणों में यहाँ पर मनोज कुमार जी लूनिया, प्रमोद कुमार जी नाटा, अमरचंद जी लोकड़, पुखराज जी बड़ोला, विजयराज जी आंचलिया, सुरेश कुमार जी गोयल, राकेश जी कठोतिया, धर्मीचंद जी लूकड़, रमेश जी बोरा, मूलचंद जी नाहर ये पूज्य प्रवर के समक्ष उपस्थित होकर तीर्थंकर चरित्र इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी की यह कृति है और मुख्यमंत्री और तेरा पंथ परिचायिका सन 2010 से 2021 का वह वर्तमान इतिहास मुनि ऋषभ कुमार जी, मुनि सुधांशु कुमार जी, मुनि गौरव कुमार जी इन्होंने इसमें कार्य किया है और ये भी श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। ये तीर्थंकर चरित्र का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो दिलीप जी सराब जी ने किया है ऐसा बता रहे हैं। कल वर्धमान महोत्सव का तीसरा दिन और अंतिम दिन वह कार्यक्रम भी मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में हो सकेगा। परसों साध्वी प्रमुखा श्री जी के ग्रंथ का लोकार्पण और वह भी मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में। मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का समय 9 बजे है और लगभग पूज्य प्रवर 9:45 के आसपास यहाँ पर पधारते हैं, उसमें ही यह लोकार्पण का कार्यक्रम हो सकेगा। और 30 तारीख को जो मुख्य कार्यक्रम है पूज्य प्रवर द्वारा जो साध्वी प्रमुखा अमृत महोत्सव की घोषणा हुई उसका मुख्य कार्यक्रम यह तेरापंत की राजधानी लाडनू जैन विश्व भारती में यह कार्यक्रम आयोजित है और जिसका समय प्रातः 9 बजे हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे उस दिन कोई कार्यक्रम मिस न करें। सवेरे 9 बजे से वह कार्यक्रम प्रारंभ हो सकेगा। प्रातः 9 बजे साध्वी प्रमुखा अमृत महोत्सव कार्यक्रम। यह कार्यक्रम अपने आप में एक विलक्षण कार्यक्रम होगा, इसलिए विलक्षण कि तेरापन धर्म संघ में आज तक के इतिहास में साध्वी प्रमुखा अमृत महोत्सव नहीं मनाया गया, क्योंकि इतना कार्यकाल किसी का रहा ही नहीं। ये पहली साध्वी प्रमुखा है जो 50 वर्ष का इतिहास शासनाकाल का इस रूप में रह रहा है। अब हम सुनेंगे पूज्य प्रवर से। और अमृतम जो साध्वी प्रमुखा श्री जी की अभिवंदना में ग्रंथ तैयार हुआ है उसका लोकार्पण 30 तारीख को मुख्य कार्यक्रम में हो सकेगा। 30 तारीख को शेष ग्रंथों का जो लोकार्पण है वह 29 तारीख को रह सकेगा। ये दो पुस्तकें जो अभी सामने आई हैं, यह तेरा पंथ परिचायिका पुस्तक है, ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक प्रतीत हुई। बहुत जानकारियाँ इस एक पुस्तक से
तेरह पंथ के संदर्भ में, संस्थाओं के, केंद्रीय संस्थाओं के संदर्भ में, और कई चीज़ें इसमें वो अनेक अनेक अच्छी एक जो तथ्य हैं या ऐतिहासिक बातें हैं, अलंकरण किन को दिए गए हैं, किन किन को आदि आदि कई बातें, बहुत ऐतिहासिक बातें इस किताब में हैं। ये किताब बहुत ही हमारे धर्मसंघ के वर्तमान, मतलब गुरुदेव जो साधु साधियाँ गुरुदेव तुलसी के समय के, वो आज बहुत अच्छी इसमें जानकारियाँ दी गई है। ये एक बहुत उपयोगी पुस्तक प्रतीत हो रही है। और ये जो तीर्थंकर जो चरित्र श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी की हिंदी में जो पुस्तक है तीर्थंकर चरित्र, और यह अंग्रेजी अनुवाद उसका, इसका मतलब उदित कुमार जी स्वामी जो मंत्री मुनि श्री के साथ में रहे हुए हैं, वो संपादन में हिंदी संपादन मुनि श्री का है, और ट्रांसलेटर तो दिलीप सरावगी लिखा हुआ है। तो मुनि श्री की यानी यह तीर्थंकरों के बारे में कोई भाषण देना हो तो वो हिंदी की, तो हिंदी की थी, और हिंदी की तो अभी भी हिंदी की तो है ही, है ना, हिंदी की तो अंग्रेजी आ गई है, तो जो अंग्रेजी में पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी एक जानकारी का माध्यम बन सकती है, तो अच्छी है। मतलब यह तीर्थंकरों की दृष्टि से हमारे धर्मसंघ में अच्छी किताब है, और जो पर्यूषण में भी कहीं कोई काम लेना हो भगवान महावीर के, ऐसे कोई बातें और, तो ऐसी दोनों किताबें आ गई हैं। अच्छी जैन विश्व भारती अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास करती रहे। स्थान अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। कीर्ति ने बताया कि इस बार कई युवा संतों ने साथ में योगदान किया, परिचायिका जो पुस्तक में नए नए कई संतों को पांच में जोड़ा है। ये तुम गौरव सुधांशु और ऋषभ जी छोटा नया संत जुड़े अच्छा काम तो अच्छो है प्रति करे जा अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मो।